अब हमें अपना फाइनल एक्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली, अगर नहीं करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें ऋषा को यहाँ से बाहर निकालना होगा। मुझे उसे प्रूव करवाना होगा कि ये हॉस्पिटल में सेफ नहीं। दैट्स द ओनली वर्ड। एग्जैक्टली। हम ऋषा पे एक फेक अटैक करवाएंगे और सिक्योरिटी के नाम पे उसे इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे। एंड देन हमारा फाइनल मूव। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स एक्ट। लेट्स गो। लेडीज फर्स्ट। सब जैसे पुलिस के दुश्मन बन बैठे हैं। या डॉक्टर कुछ करने को अलाउ नहीं कर रहा है और रिपोर्टर्स बदनामी कर रहे हैं। ना पेशेंट से मिल सकते हैं, ना उसकी पट्टियां खोल सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। ऊपर से पता नहीं नंदिनी मेरे बारे में क्या सोच रही। अब तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जो कहा है वो करो ना। कम ऑन सर। तुमसे कोई बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज एक आखिरी बार मेरी मदद कर दो। नॉट अगेन। करके देख लिया है। नंदिनी उन पट्टियों का खुलना जरूरी है। मैं जानता हूं कि वो राघव नहीं है, राइट? एग्जैक्टली। और ये बात मैं साबित कर सकता हूं। बस ट्रस्ट मी। ये चीज तो नहीं कर सकती मैं तुम्हें। कम ऑन यार। मैं जानता हूं मुझ पर से तुम्हारा भरोसा उठ चुका है, लेकिन भरोसा दोबारा बांधा भी तो जा सकता है। इट्स टू लेट फॉर दैट। मुझे लगा था कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, पर तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रहोगे व्हाटएवर द सिचुएशन। शायद मुझे गलत लगा था। तुमने मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। अब जो करना है मुझे खुद ही करना होगा। टाइम आ गया अपने नेक्स्ट मूव का। मानना पड़ेगा ये दोनों ही बहुत स्मार्ट है। दे ऑलमोस्ट थिंक लाइक क्रिमिनल। और ये भी उनका कोई नया पैतरा है। जाके पता करो ये अलार्म किसने बजाया और कहां से ट्रिप हुआ है। कम ऑन डॉक्टर, नर्स, कोई मेरे पति को बचाना। प्लीज गो एंड सेव हिम। उसकी जान का थी। कोई सुन नहीं आएगा। मैम उनको। क्या होगा? क्या कर रहे हैं आप? मेरे पति को मारने आए थे यहाँ पे? आप बकवास कर रही हो?
तुम्हारी आवाज सुनकर मैं उसे बचाने आया था। और यानी दिख रहा है कौन क्या करने आया था? आपके हाथ में चाकू है। ये ड्रामा बंद करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये तुम्हारा ही कोई नया पैंतरा है। आपका नया प्लान है मेरे हस्बैंड को मारने का, बट यू नो व्हाट, मैं नहीं मारने दूंगी आपको। व्हाट नॉनसेंस, बट ओ माय गॉडनेस। डीसीपी रंगे हाथों पकड़े गए हो तो सरेंडर योरसेल्फ राइट नाउ। तुम तो अपना मुंह बंद रखो तो ही अच्छा है। अब कितनों का मुंह बंद करवाएं? मेरा, मीडिया का या फिर सबका? वन सेकंड, मुझे समझ आया, ये सारा प्लान आपका था। पहले आपने मेरे हस्बैंड को गायब कराया और जब वो फाइनली मिल गया तो आप उसको मारना चाहते थे। पर बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। वन मोर वर्ड एंड फॉर व्हाट? क्या करेंगे आप? अब मैं जाऊंगी मीडिया के पास और उन्हें बताऊंगी कि कैसे आपने मेरे हस्बैंड को मारने की कोशिश की। हस्बैंड को तुमने मारा है और इन पट्टियों में राघव जिंदल तो बिल्कुल नहीं है और ये तुम जानती हो। देखिए इनफ दिस सिटी अविनाश, ये दोनों सही कह रहे हैं, इसीलिए तुम मुझसे हेल्प मांगने आए थे ना कि मैं बैंडेज खोल दूं? मैंने मना कर दिया तो तुम खुद मारने चले आए? मैंने ये क्या कह रही हो तुम? अरे ये इन दोनों का प्लान है। तुम मुझे नहीं जानती क्या? तुम्हारा ये प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। राघव मर चुका, लेकिन हमने दुनिया को ये यकीन दिलाया कि वो जिंदा है। लेकिन अब वक्त आ गया उसे दुनिया के सामने मारने का। और वो भी ऐसी जगह मारेंगे जहां सबकी नजरें हो, डीसीपी की, मीडिया की, एंड दैट इज राघव के हॉस्पिटल में। और वो भी लाइव कैमरे के सामने। मारेंगे हम, लेकिन लगेगा एक एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में होगी फेक राघव की मौत और मर्डर केस क्लोज। लेट्स गो फॉर द किल। मुझे राघव के कमरे के बाहर फुल सिक्योरिटी चाहिए। कौन उससे मिलने आ रहा है, कौन जा रहा है, डॉक्टर्स, नर्सेस, विजिटर्स, एनीबॉडी। लाइफ हमेशा आपको सेकंड चांस देती है, लेकिन मैं तो एक पत्नी हूँ, अपने पति को तो सेकंड चांस दे ही सकती हूँ ना। क्या हो रहा है ये सब? बंद करो, ये बंद करो ये सब। कौन? ये अस्पताल है, कोई रेड कार्पेट इवेंट नहीं। सर हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल है, फिर एक पेशेंट पे अटैक कैसे हो गया? इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे हमें खबर मिलती है आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब प्लीज ये ड्रामा बंद करो। सर आप इतनी इनसेंसिटिव बातें कैसे कर सकते हैं? आपको इनके हस्बैंड को सिक्योरिटी देनी चाहिए और आप हमें सिक्योरिटी बना रहे हैं। सर बताइए सर। जब तक रिपोर्टर्स डीसीपी को बिजी रखेंगे तब तक हम ऋषा और राघव की अदली बदली कर देंगे। डॉक्टर क्विकली जल्दी आइए, राघव की बॉडी यहाँ रखवाइए, जल्दी हेल्प मी क्विक, जल्दी करो, जल्दी उठाइए। सुना है आपकी वाइफ भी इस केस में इन्वॉल्व है, कहीं अपने पर्सनल मैटर की वजह से तो आप इस केस में नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्या बोला? जल्दी 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 करो, क्विकली क्विकली लीव द रन, जस्ट कम ऑन फास्ट। अगली बार मेरी बीवी का नाम लिया है ना तो वो हालत कर दूंगा कि खुद का नाम भूल जाएगा। पर नाम तो सभी ले रहे हैं सर कि आपकी वाइफ आपको डिवोर्स देना चाह रही है, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। गो 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 गो, इज इट क्लियर? ऑर्डर ऑल क्लियर। और अब बिल्कुल राइट टाइम पर डीसीपी विराज को देखेगा। क्या हो रहा है सर? तुम कौन हो? सर मैं वो। क्या वो? मैंने अभी अभी देखा तुम राघव के कमरे से निकल रहे थे। कहाँ ले जा रहे हो राघव की बॉडी? तुम्हें क्या लगता है?
ये कौन है? कौन है ये? सर आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? एक बुजुर्ग को तो छोड़ दीजिए, आपके बेवजह शक की वजह से ना एक बुजुर्ग परेशान हो रहा है। ये क्यों लेकर जाएंगे राघव को उसके रूम के बाहर? नाटक खत्म ही नहीं होता है ना? और तू सच बता रही, चल क्या रहा है? डॉक्टर साहब बहुत सही ट्रीटमेंट, पट्टियां खोली, मैं इसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। सॉरी ऑफिसर, जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है मैं इसकी पट्टियां नहीं खोल सकता। डॉक्टर मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इट्स एन ऑर्डर। क्या अथॉरिटी है आपके पास ये ऑर्डर देने की? कमाल है, कानून तोड़ने वाले एक पुलिस अफसर को कानून समझा रहे। मुझे कानून समझाने की जरूरत नहीं है। समझाना पड़ेगा सर, अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर लिखित में लाए, वरना हम ऑर्डर को ऑर्डर नहीं मानेंगे। बिली कोई बात नहीं, तो एक काम करता हूँ, इसकी पट्टियां मैं खुद ही निकालेगा। Don't you dare. Move. Move it. Come on. बहुत हो गया तुम लोगों का ड्रामा। ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। I request you, Avinash. Please, एक पेशेंट के साथ ऐसा मत करो। ठीक है डॉक्टर नंदिनी, मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर आप वादा करें एज अ डॉक्टर कि मुझे राघव जिंदल मतलब इस पेशेंट का डीएनए सैंपल लाके देंगे दोबारा। नो। देखिए आप ऑलरेडी मेरे हस्बैंड का एक बार डीएनए टेस्ट ले चुके हैं, कब तक चलेगा ये सब कुछ? यही सब तो करवाना था कि डीसीपी का ये तमाशा सब देखे। कम डॉक्टर प्लीज, तुम गलत। कम ऑन प्लीज, कानून से खेलने का शौक है लेकिन बंदूक से खेलने का शौक मत पाल लेना। रॉन्ग साइड पकड़ रखी है। और चल गई तो सांसें चलना बंद हो जाएगी तुम्हारी। गन छोड़ो। मुझे मारो तुम, सबके सामने मारो तुम, यही चाहते हो ना तुम? क्या बकवास कर रहे हो? शूट मी, कम ऑन, आई सेड शूट मी। तुम नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल। आई नो यू सी व्हाट ही इज डूइंग। बस निशाना लग चुका है, गोली चलेगी और राघव सबके सामने मरेगा, वो भी डीसीपी के हाथों। कम ऑन शूट मी, आई सेड शूट मी, शूट मी। आई शूट मी। इस एक्सीडेंट में राघव जिंदल की डेथ हो गई। इस मौत का जिम्मेदार डीसीपी अविनाश को बताया जा रहा है। बकवास। हायर अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि डीसीपी अविनाश पे इंक्वायरी बिठाई जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप अपने हस्बैंड के बारे में? ओह सॉरी, एक्स हस्बैंड के बारे में। क्या वो शुरू से ही ऐसे थे? देखिए अभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि डीसीपी अविनाश और मेरे बीच में अभी कोई रिश्ता नहीं है। Making it personal. Sir, DNA report. Last one. ये पूरी रिपोर्ट है? Yes, sir. ऑक्सीजन सिलेंडर के ब्लास्ट होने की वजह से पूरी बॉडी जल गई है और उसके साथ DNA इंफॉर्मेशन भी। जो थोड़े बहुत पार्ट्स बचे थे उनका तो पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया और ये सब आपकी वजह से हुआ है। What? आपको लग रहा होगा कि आपने एक मौका खो दिया है, लेकिन सच कहूं तो आज एक पत्नी ने अपना पति खो दिया है सर। इंस्पेक्टर नूपुर। सर, सिया बिचारे अपने पति को घर ले जा रही थी पर आपने उसे मार दिया। इसका मतलब है जब मैं देख रही थी वो मेरा बहन नहीं, कोई तो है जो सब जानता है।
ये बात मैं सिया को नहीं बताऊंगी। वैसे ही वो इतनी परेशान है, ये सुनेगी तो और परेशान हो जाएगी। मेरे पास तो एक सोने की चूड़ी, FD और प्रोविडेंट फंड है। सबको भी तोड़ूंगी तो 25 लाख तो नहीं होंगे। जितना है मेरे पास उतना सब दे दूंगी उसे, लेकिन कभी वो नहीं माना तो ऐसे लालची लोगों को जितना भी दो उनका मन नहीं भरता। क्या करूं? उसी का फोन होगा। हेलो, तो बताइए क्या आऊं पैसे लेने के लिए? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, आवाज आ रही है आपको? अरे जवाब क्यों नहीं दे रही हैं आप? पैसे नहीं देने क्या? अगर पैसे नहीं देंगी ना आप तो जानती हैं हम क्या करेंगे, सीधा पुलिस के पास जाएंगे और आपने राघव को जो मारा है ना सब बता देंगे। अगर आपने पैसे नहीं दिए ना तो वरना नहीं दूंगी, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तुझे जो करना है तू कर ले, लेकिन मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। अरे सटिया गई क्या तुम? अरे इस उम्र में जेल जाते हुए अच्छा लगेगा? चली जाऊंगी, जेल चली जाऊंगी, लेकिन तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। अरे फोन काट दी। कहीं ये सब बोलकर गलती तो नहीं करती? ये पुलिस के पास चला गया तो बैठी। आज से ये कुर्सी और राघव से जुड़ी हर एक चीज आपकी हुई। चौबीस घंटे हो गए तो क्या सोचा मेरी फैमिली के बारे में? क्या हुआ मेरा बच्चा? कुछ नहीं है वहां, तू डर नहीं, हम तेरे पास है ना। चल मैं चलती हूँ तेरे साथ। दरवाजा खुला क्यों है? बैरिस्टर सिक्योरिटी गार्ड्स। दादी, खुशी, तुषार। दादी, दीदी, खुश, तुषार कहाँ था तू? तुम मेडिसिन लेने गए थे। दादी ने खुशी को छोड़ के चले गए। तुम व्हाट्स रॉन्ग विद यू? खुशी, खुशी, दादी, खुशी, 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 दादी, खुशी, 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 मांझी, खुशी, खुशी, दादी मिले नहीं? यहाँ चेक करते हैं। दादी, खुशी, दादी, खुशी, खुशी, दादी, मैं बाहर देखता हूँ। खुशी, मम्मी, क्या हो, क्या हो?
खुशी रिलैक्स, कुछ कुछ नहीं हो रहा है। इट्स ओके खुशी, कौन कौन से बोलो आप कबर्ड में कैसे पहुंचे, आती कहां है खुशी? वो मासी डोर बेल बजी। अरे दादी क्या हुआ मेरा बच्चा? वो कुछ नहीं हुआ, तू डर नहीं, हम तेरे पास है ना, चल मैं चलती हूँ तेरे साथ। देखते चल। कौन है तुम्हें? दादी नहीं, कोई बात नहीं, तुम ठीक है, यू आर फाइन राइट।